morning students. Today we'll study some more word problems based on subtraction of fractions from your textbook. So exercise 7.6, question number 6. Now read the question number 6. It states that a piece of wire is 7 by 8 meter long and it broke into two pieces. एक वायर है जो कि 7 by 8 meters लंबी है और वो दो टुकड़ों में टूट गई. Now one piece is 1 by 4 meter. एक पीस तो है 1 by 4 meter का, तो दूसरा कितने का हुआ? क्या करेंगे हम? टोटल लेंथ कितनी हुई? 7 by 8 meter. उसमें से एक पीस है 1 by 4 meter का, तो दूसरे पीस की लेंथ निकालने के लिए हम इसे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब आप बिग फ्रैक्शन सॉरी नंबर्स हैं ये, अनलाइक दिख रहे हैं. चाहे तो आप 1 by 4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लीजिए या फिर आप एलसीएम लेके कर लीजिए, जैसे आपको सुविधा लगती हो. यू नो दैट 1 by 4 into 2 by 2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर 8 है, 8 मिलता है हमें, 4 2 जा, तो इट कैन बी 2 by 8. तो मैं बार बार अलग अलग मेथड, कहीं पर डायरेक्ट एलसीएम लेके बता रही हूँ, कहीं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेके, ताकि आप दोनों मेथड जाने और जो आपको अच्छा लगता हो, आसान लगता हो, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं. तो व्हाट डू वी गेट? 7 by 8 माइनस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2 by 8, दैट इज 7 minus 2 by 8 एंड दैट इज 5/8 meters. आंसर दोनों तरीके से सेम ही आता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नंदिनी's हाउस इज 9 by 10 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल. मतलब स्कूल से घर का डिस्टेंस है 9 by 10 किलोमीटर. शी वॉक्स सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस तो वो पैदल चली. देन उसने शी टुक अ बस फॉर 1 by 2 किलोमीटर टू रीच द स्कूल. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस कितना हुआ? 1 by 2 किलोमीटर. और डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग अब कैसे निकालेंगे? 9 by 10 किलोमीटर पूरा था, जिसमें से हाफ किलोमीटर 1 by 2 किलोमीटर तो उसने बस से कवर किया, बाकी वो चल के गई. इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, दैट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग. अगेन दोनों किलोमीटर्स में है, तो हमें यूनिट्स भी कहीं चेंज नहीं करने हैं. अब आप चाहें तो एलसीएम लेके कर लीजिए ये वाला. चलो हम एलसीएम ले लेते हैं. 2 and 10 का एलसीएम आप जानते हैं, 2 के टेबल में तो 10 आता है, 2 5 सा, तो एलसीएम हो गया 10. 9 into इस 10 में क्या मल्टीप्लाई करें? 1, सब्ट्रैक्शन का निशान 1, ये न्यूमरेटर. इस 2 में क्या मल्टीप्लाई करें? 5. तो दिस गिव्स यू 9 minus 5 by 10 और 4 by 10 किलोमीटर. कितना डिस्टेंस इसने वॉक किया. नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर क्वेश्चन. आशा एंड सैमुअल हैव बुकशेल्फ. आशा और सैमुअल के पास बुकशेल्फ हैं, सेम साइज के हैं और उनमें कुछ किताबें भरी हुई हैं, पार्टली फिल्ड विद बुक्स. नाउ आशा's शेल्फ इज 5/6 फुल. मतलब जितनी भी उस शेल्फ की लेंथ है, उसका 5/6 वो भरा हुआ है किताबों से. और सैमुअल का शेल्फ 2/5 फुल है. ये 2/5 लिखना है यहाँ पे हमें, 2/5 फुल है. अब बताना है हमें कि कौन से का शेल्फ ज्यादा फुल है और कितना ज्यादा फुल है. अब ज्यादा फुल तो तभी हम कंपेयर करना पड़ेगा, इसका मतलब 5/6 और 2/5 को कंपेयर करना है. जब हमें कंपेयर करना होता है तो हम क्या कहते हैं? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स पहले निकालते हैं, क्योंकि जब तक हम डिनोमिनेटर्स को सेम नहीं करेंगे तो तब तक तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है. अब 6 and 5 का एलसीएम क्या हुआ? 6 into 5 दैट इज 30. यहाँ मल्टीप्लाई का निशान डाल देते हैं. तो अब हम कंपेयर करते हैं 5/6 को हम कैसे लिख सकते हैं. डिनोमिनेटर 30 लाना है हमने, तो 5/5 से मल्टीप्लाई किया. दिस गिव्स यू 25/30. 2/5 है दूसरा. 2/5 को हम
30 डिनोमिनेटर कैसे लाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई करने से, दैट मीन 6 बाय 6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है हमें, दिस गिव्स यू 12 बाय 30, ठीक है। अब इसमें से बड़ा कौन सा है, अब आप यहाँ पे बिल्कुल देख के ही बता सकते हैं, जब डिनोमिनेटर दोनों सेम है कि 25 न्यूमरेटर बड़ा है, इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, 25 बाय 30 इज ग्रेटर देन 12 बाय 30, एंड बाय हाउ मच, डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस भी हम निकाल देते हैं, डिफरेंस इज 25 बाय 30 माइनस 12 बाय 30, 25 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा 13 बाई 30, इसका मतलब कि 25 बाई 30 किसका कौन सा बुकशेल्फ था, 5 बाई 6 वाला, यानी कि आशा का, तो आशा का बुकशेल्फ ज्यादा फुल है, और कितना ज्यादा फुल है वो 13 बाई 30 टाइम्स ज्यादा फुल है, सो हाउ विल बी राइट, आशा's bookshelf is more full, ज्यादा फुल है by कितना 13 by 30। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आप अपने आप करेंगे, एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी देन यू विल आस्क मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन हमें बहुत जरूरत पड़ती है हायर स्टडीज में, हर फील्ड में, चाहे आप फिजिक्स पढ़ें, चाहे आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करें, मैथमेटिक्स में तो है ही जरूरत है ना, स्टैटिस्टिक्स करें, कहीं पर भी आपको ये इस तरह से फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन की बहुत जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए अब आपको अगर कहीं पर भी ये एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में डिफिकल्टी आ रही हो तो आप मुझसे एक बार फिर से जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।